जुबैदा बेगम, हमें तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि रूही ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनका नाम भी सुनना गवारा नहीं कर रहे। भाभी जान, हमारी दादी कहा करती थी कि घर में मुलाजिम भी रखो तो उसका हसब नसब चाल चलन सब पता होना चाहिए, और यहाँ आपने एक अनजान लड़की को उठाकर हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया है और हमें हुक्म दे रही है कि इसे अपना समझो। आप की जगह हम नहीं कर सकते ये। क्या हो गया आपको जुबैदा बेगम? आपकी शख्सियत में किस किस्म का बदलाव है? हम तो जिस जुबैदा बेगम को जानते थे वो किसी की भी तकलीफ में तड़प जाया करती थी और परेशानी में किसी का भी साथ देने के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। जान, वो हमारे अपने होते थे, उनसे हमारा खून का रिश्ता होता था। ये नहीं कि राह चलते जिनका ठिकाना दारुल अमान है उन्हें घर ले आए और हुक्म दे के इन्हें अपना कहें। अब आप ये बहुत गलत बात कर रही हैं, बहुत गलत। गलत तो हमारे साथ हो चुका है भाभी साहब, मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ। इस घर में रहते हुए लगता है कि हम इस घर के फर्द नहीं, अजनबी हैं। गलत फहमी है ये आपकी। समरीन हमारी औलाद है, हमने उसे गोद में खिलाया है। आपके साथ या समरीन के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती हो जाए हम ये सोच भी नहीं सकते। रूही आ जाओ बेटा। वो मैं बताने आई थी कि जो स्कूल का इवेंट था वो पोस्टपोन हो गया है, मिसेस खान ट्रेवल करी है तो कल नहीं होगा अब। अच्छा अच्छा वो दरअसल रूही के स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब थी तो इनकी प्रिंसिपल ने खास तौर पे मुझे फोन करके मदद किया था। कहाँ जा रही है? हम आपसे अकेले में बात करते। बैठे 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 रूही के सामने बात करने में क्या है, कोई पर्दादारी तो नहीं है? मैं चाहती हूँ। अरे नहीं, बैठो बैठो, बाद में बात कर लेंगे। आप बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। मैं सही हूँ। हाँ हाँ तुम बैठो भाई, हमें जब बात करनी होगी हम कर लेंगे। बेटा ये तो जुबैदा बेगम है ना, ये हमारी भावत से ज्यादा हमारी दोस्त, तो इनका कोई भी रवैया कोई भी मूड हम सब बर्दाश्त। असल में ये तुम्हें बताना चाह रही है कि मैं यानी जुबैदा बेगम भी इस घर की मकीन है। जितनी खुशामद तुम इनकी करती हो ना आधी हमारी भी करती। जुबैदा देख लिया तुमने, ये हुआ है इस घर में तुम्हारे आने से। भाभी जान का रवैया बता रहा है कि इस घर में हमारी कोई वक्त नहीं है। बिल्कुल गलत फहमी है ये आपकी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? और ऐसा सोचकर आप हमें अपनी नजरों में गिरा रहे। हमने तो रूही के मुंह से कभी भी इस घर के किसी भी फर्द के लिए एक भी मनफी लफ्ज नहीं सुना। आप लोग मेरे अपने ना सही लेकिन मेरे अपनों से बढ़कर है मेरे लिए। मेरा रुआ रुआ आप लोगों का कर्जदार है, ये एहसान मैं आप लोगों का कभी भूल नहीं सकती। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं लेकिन आप मेरी नियत पे कभी शक मत करिएगा। खुदा ना खासा कल को कोई बुरा वक्त आया तो आप मुझे अपने पीछे पाएंगे। इस तरह के डायलॉग हमने टीवी में बहुत सुने और ख्वातीन डाइजेस्ट में बहुत पढ़े हैं, उनका कोई असर नहीं होगा मुझ पर। बड़ी है कितने तलख अल्फाज, बख्श सकोगी?